हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि टैली की लाइव क्लास जो है 8 बजे से चलेगी आज, और 2 तारीख को टैली की क्लास बाधित रहेगी। तो आज तो मतलब 8 बजे से चलेगी, जो रेगुलर टाइमिंग है अभी जो चल रहा है। तो 8 बजे से अगर आप जुड़ना चाहें टैली के लिए, टैली सीखना चाहें प्रैक्टिकल वर्क, तो आप सीख सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो जो लोग भी टैली सीखना चाहते हैं तो सीधा जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में कि आज का ये टॉपिक है किस चीज का। तो आज का ये जो टॉपिक है वो इस चीज को लेकर के है कि हमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको सीरियल नंबर इंसर्ट करना होता है तो जनरली आप 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, और फिर इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं, तो आपका सीरियल नंबर इंसर्ट हो जाता है। नॉर्मल तरीका ये आप यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर 1 तो आना चाहिए, लेकिन 1 के ठीक पहले यानी 1 के लेफ्ट साइड में हमें 0 ऐड करना है, ठीक है। अब ये चूंकि नंबर है तो नंबर हमेशा राइट अलाइन होता है, तो यहाँ पे 0 ऐड करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 जीरो या 3 जीरो ऐड करना है, तो जैसे ही 3 जीरो ऐड करते हैं तो ये 1 फिर से आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इसके लिए हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एपोस्ट्रॉफी के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए एपोस्ट्रॉफी लगाया, मान लीजिए हमें सिर्फ एक ही बार 0 चाहिए, तो फिर देखिए यहाँ पे 1, 4, 5 कुछ भी प्रेस कर देते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पे 1 0 शो होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए 2 जीरो चाहिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक बार एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, फिर 2 जीरो लगाया और फिर यहाँ पे जो भी नंबर आप देना चाहें दे दीजिए, फिर वो नंबर शो होने लगेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जितना भी रेंज में आपको ये काम करना है वो रेंज सेलेक्ट कीजिए और सीधा कहाँ चले जाइए, फॉर्मेट पर। अब जैसे ही फॉर्मेट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नंबर, फिर यहाँ पर मिलेगा आपको प्लेन टेक्स्ट। आप देख सकते हैं ये जो है ऑटोमेटिक पे टिक है, हम इसे क्या करेंगे प्लेन टेक्स्ट कर देंगे। और जैसे ही प्लेन टेक्स्ट करेंगे और अब लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर एंटर करने पर ये विथ 0 जो है ये एक्सेप्ट करना शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं फिर 3 बार 4 बार जितनी बार चाहे उतनी बार 0 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी।